अंश आपको इस ऑर्डर में करना है, ब्लू येलो रेड ग्रीन इस ऑर्डर में रखना है। मैं अभी मिक्स करूंगा, फिर उसके बाद ये सेम ऑर्डर में रखना है। हम सभी अपने बच्चों की इंटेलिजेंस, उनकी कॉग्निशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसी 7 मजेदार टिप्स और एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, जिससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। Welcome back to Sayum. मैं हूं राखी वर्मा और मैं हूं भूषण वर्मा। We are autism parenting coaches and founders of Learning to Life, a wonderful learning platform for children with special needs. अपने बच्चों की इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव स्किल्स और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बहुत सी मेहनत करते हैं और ऐसी एक्टिविटीज की खोज में रहते हैं जो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें। आज की इस वीडियो में हमने कंपाइल की है ऐसी 7 एक्टिविटीज जो आपके बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी मजेदार 7 एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू ना सिर्फ आप अपने बच्चे की इंटेलिजेंस पे काम करेंगे लेकिन साथ ही साथ आप एक मजेदार टाइम भी बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी वर्कबुक जो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि इसमें सभी तरह की चीजें इंक्लूडेड हैं जो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है और बहुत ही मजेदार भी है। ये बुक है दिशा पब्लिकेशंस की वर्कशीट्स ऑफ प्री स्कूल पार्ट 1, 2 और 3। ये प्री नर्सरी के लिए बनाई गई है, यानी कि एज 3-4 को लेकर बनाई गई है, लेकिन आप बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। ये बेस्ड है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ 9 इंटेलिजेंसेस पर, जिसमें डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंसेस डेवलप करने की बात की गई है। ये वर्कशीट इन इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करती है, जैसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्ट और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। जब इस तरह की सारी इंटेलिजेंसेस हमारे बच्चे के लिए एक साथ डेवलप होती है तो बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। इस बुक में डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे कि ईवीएस में अबाउट माय फैमिली, माय फेवरेट फूड्स, फेवरेट सीजन की बात की गई है। इंग्लिश में इंग्लिश अल्फाबेट्स को समझना, उन्हें लिखना करेक्ट तरीके से और उन्हें मैच करना डिफरेंट पिक्चर्स के साथ। मैथ्स में नंबर कॉन्सेप्ट, काउंटिंग, व्हाट कम्स इन बिटवीन। साइंस में अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स, 5 सेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, बर्ड्स एंड एनिमल्स, इन सब के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही साथ लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे स्पॉट द डिफरेंस, कंप्लीट द पैटर्न, मेज एक्टिविटीज भी शामिल की गई। इसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज हैं जो बच्चे की आर्टिस्टिक सेंस को डेवलप करेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिफरेंट कट एंड पेस्ट एक्टिविटीज जो बच्चे के हैंड आई कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने में हेल्प करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट सोशल और मोरल स्किल्स जो आप बच्चे के साथ डेवलप कर सकते हैं इन एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे कि गुड मैनर सीरीज जिसमें बच्चे को अच्छी मैनर्स के बारे में बताया गया है, हाउ टू कीप योर सेल्फ क्लीन जिसमें हाइजीन के बारे में है, वॉट इज अ हेल्दी प्लेट यानी कि जंक फूड और हेल्दी फूड के बारे में, एंड अबाउट माई बॉडी इसमें यानी कि गुड टच और बैड टच के बारे में भी हमारे बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताया गया है। ये बुक आपके बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और साथ ही साथ एक फन टाइम इंजॉय करने में भी बच्चे की मदद करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्री स्कूल के लिए आपको ये 3 बुक्स का सेट मिलेगा और आगे की क्लासेस के लिए भी बुक्स के सेट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको मोर देन 240 वर्कशीट्स मिल जाएंगी। इन वर्कशीट्स को अपने बच्चे के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे ना तो सिर्फ इंटेलिजेंस लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल बट साथ ही साथ बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स और उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी आपको बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा बच्चे के साथ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं अगली दो एक्टिविटीज के बारे में। ये दोनों एक्टिविटीज है क्रिस क्रॉस एंड इट्सी बिट्सी स्पाइडर। बहुत ही मजेदार एक्टिविटीज हैं जो बच्चों के साथ आप भी एंजॉय कर सकते हैं, और इन एक्टिविटीज से लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चे की फोकस, उसकी मेमोरी और उसकी अटेंशन में आपको बहुत ही फायदा दिखाई देगा। तो चलिए अंश की मदद से समझते हैं कि इन एक्टिविटीज को कैसे किया जाता है। अब बारी है एक्टिविटी नंबर 4 और 5 की। ये दोनों एक्टिविटीज है सर्कल एंड स्क्वायर एंड हैमर स्ट्राइक। ये एक्टिविटीज भी बच्चे के ब्रेन की पावर को बूस्ट करने में मदद करती है, साथ ही साथ उसके अटेंशन और फोकस को भी इम्प्रूव करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसी क्रिटिकल चीजें हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोऑर्डिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मल्टीटास्किंग। ये इन चीजों को अचीव करने में भी बच्चे की बहुत मदद करेगा। तो चलिए इस बार संयम की मदद से देखते हैं कि इन एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आखिरी दो एक्टिविटीज की तरफ, जो कि है मजेदार विजुअल मेमोरी गेम्स। ये गेम्स जब आप अपने बच्चों के साथ करेंगे तो आप भी बहुत एंजॉय करेंगे और आप भी पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे के साथ इन गेम्स में। ये दोनों विजुअल मेमोरी गेम्स की मदद से आप ना सिर्फ बच्चे की अटेंशन बल्कि मेमोरी एनहेंसमेंट में भी बहुत ज्यादा सुधार देखेंगे। इन गेम्स के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इन गेम्स के बारे में संयम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे अपने भाई अंश के साथ। तो चलिए देखते हैं कि इन गेम्स को कैसे खेला जाता है। अंश, आपको इस ऑर्डर में करना है ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, इस ऑर्डर में रखना है। मैं अभी मिक्स करूंगा, फिर उसके बाद ये सेम ऑर्डर में रखना है। जी सर। रेड, ग्रीन। वेरी गुड। अब हम लेवल 2 करेंगे। इसमें मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन दूंगा, उसे आपको रिवर्स में रखना है, जैसे मैंने रखा उसका रिवर्स। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, इसे रिवर्स में। रेड, ग्रीन। वेरी गुड। मैं आपको 3 अलग अलग कलर के ब्लॉक्स दे रहा हूँ, उसमें रेड आए तो टैप करना है, येलो आए तो थम्स अप, ब्लू आए तो क्लैप। ठीक है, गॉट इट। और मैं आपको ऐसे अलग अलग रैंडम सीक्वेंस पे दूंगा, उसमें आपको करना है। याद है क्या बोला था मैंने? किस पे? रेड पे टैप, येलो पे थम्स अप और ब्लू पे क्लैप। वेरी गुड। यहाँ से स्टार्ट। क्लैप, थम्स अप, क्लैप, टैप, क्लैप, थम्स अप, टैप, थम्स अप, टैप, थम्स अप, थम्स अप। वेरी गुड। हम सभी का अपने बच्चों के लेके एक ही विजन रहता है कि कैसे हम अपने बच्चे को इस लायक कर दें कि वो इंडिपेंडेंटली एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके।
बट उसके लिए शुरुआती जो हर्डल्स हैं, जो शुरुआती मुश्किलें हैं, उनको पार करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू, ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉग्निशन, उसके इंटेलिजेंस लेवल पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही काम करें, ताकि बच्चा वो इनिशियल हर्डल्स क्रॉस करके उन ऊंचाइयों को छू सके जो ऊंचाइयां हम चाहते हैं कि वो छूए। और ये काम एज पेरेंट सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग एंड कमांड फॉलोइंग। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।